हाथरस वाले भोले बाबा और सूरजपाल के संगठन से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं। अब नए नए दिन अलग अलग गुत्थी सुलझने में या सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। मामले में अब एसटीएफ ने भी एंट्री ले ली है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हाथरस कांड का मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के राजनीतिक संबंध और फंडिंग का तथ्य सामने आना कुछ बड़ा इशारा कर रहा है। इसी दिशा में पहले से काम कर रही एसटीएफ ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। यूपी एसटीएफ प्रदेश के साथ साथ देश भर में बाबा की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। देव प्रकाश सरीखे, सभी आयोजकों के फंडिंग संपर्क, राजनीतिक संबंध आदि खंगाले जा रहे हैं। संकेत यहां तक हैं कि यूपी का पूरा ब्यौरा एकत्रित कर इसकी तरह जाने के लिए ईडी तक को जांच में शामिल किया जा सकता है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बाबा ने महज 35 वर्ष में इतना बड़ा साम्राज्य कैसे और किन लोगों के सहयोग से खड़ा किया, फिलहाल एसटीएफ और पुलिस इसकी जांच कर रही है। न्यायिक आयोग ने नारायण सरकार, विश्वहरि और भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ से हुई 121 मौतों की जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम शनिवार को हाथरस पहुंची और शीर्ष अधिकारियों से मिलने के अलावा घटनास्थल व अस्पतालों में पहुंचकर जानकारी जुटाई। हाथरस और पुलिस ने इस मामले में दो और आरोपी संजू यादव और राम प्रकाश साक्षी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार देर रात पकड़े गए मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर और संजू यादव को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शख्स को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अब तक 9 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। हाथरस हादसे में 121 मौतों के बाद बेशक भोले बाबा और सूरजपाल को अभी तक क्लीन चिट मिली हुई है, न तो बाबा का मुकदमे में नाम है और न ही एसआईटी में बयान के लिए बुलाया गया है। हाँ, बाबा के अधिवक्ता ने जरूर आकर एसआईटी के समक्ष अपना पक्ष रखा है, मगर जैसे जैसे तथ्य सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूपी पुलिस की जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। संकेत हैं कि जांच की यही दिशा किसी दिन बाबा पर शिकंजे का काम करेगी। खुद घटना के दूसरे दिन हाथरस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक संबंधों, साजिश आदि की ओर इशारा किया था। यहां तक कहा था कि सभी लोग जानते हैं कि किन किन नेताओं से बाबा के संबंध हैं। उसके बाद से एसटीएफ को काम पर लगाया गया है, जो बाबा के साम्राज्य, धन संग्रह के तरीके, धन के ब्यौरे, संपत्तियों आदि पर काम कर रही है। बाबा, उसके संगठन की अब तक की जांच और देव प्रकाश से हुई पूछताछ में उजागर हुआ है कि आयोजन समिति में सिर्फ सरकारी सेवकों और व्यापारी कारोबारों लोगों को रखा जाता है। ये लोग खुद अपने पास से धन देते हैं, साथ ही अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में धन एकत्रित करके देते हैं। हालांकि धन एकत्रित करते समय कोई दबाव नहीं होता है, जिसकी जैसी इच्छा उतना धन ले लिया जाता है। यह धन होता है आयोजकों के खर्च के नाम पर एकत्रित होता है, मगर इसका कोई ब्यौरा नहीं होता है कि कितना धन एकत्रित हुआ और कितना आयोजन पर खर्च हुआ, क्योंकि तमाम जरूरी संसाधन तो ऐसे भी होते हैं जो बाबा के भक्त लोग खुद ही मुहैया करा देते हैं। इसके बाद धन कहाँ जाता है, उसका प्रयोग कौन करता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। गिरफ्तार मुख्य आयोजक सहित ऐसे अन्य आयोजकों के खाते को दिखाया जा रहा है जिनमें ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े अन्य लोगों के खातों को भी दिखाया जा रहा है। साथ ही में बाबा की संपत्तियों, उसके खर्च आदि को भी देखा जा रहा है। गाड़ियों तक का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है। सुरक्षा गार्डों पर होने वाले खर्च की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ में मुख्य आयोजकों के करीबी रिश्तेदारों और उनके खास लोगों के खातों और उनके लेन देन पर भी नज़र रखी जा रही है। किराए पर रखे गए पुलिस में नौकरी करने वाला बाबा सूरजपाल इतने बड़े साम्राज्य का मालिक साल 1990 के बाद से अब तक हुआ है, इसी दिशा में जांच तेज हो रही है कि संपत्तियां किसके सहयोग से जुटाई गई हैं, मददगार कौन कौन है, राजनीतिक सहयोग किस तरह से होता है, सरकारी सेवकों और धनाचों को हुई आयोजन समिति में क्यों रखा जाता है। सिकंदरा राव के जिस आयोजन में यह हादसा हुआ, उसमें अधिकतर सरकारी सेवक हैं, जिनमें सबसे बड़ी संख्या में शिक्षक, लेखपाल को ही रखा गया है। ये भी अपने आप में जांच का विषय है। मुकदमे में वो लोग गिरफ्तार होंगे तो उनके खातों और उनके द्वारा जुटाए गए धन आदि का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। मुख्य सेवादार के बयानों में फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेल, राजनीतिक संबंध आदि जानकारियां मिली हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कैसे और किसके
कौन मददगार हैं, फंडिंग कहां, किससे, किसके माध्यम से होती है, ये सब जांच में साफ होगा। इसमें अन्य एजेंसियों की भी जरूरत के हिसाब से मदद ली जाएगी। गांव फुलरई मलगाड़ी में हुए हादसे की जांच करने आए न्यायिक आयोग के सदस्यों को अधिकारियों ने सड़क किनारे व गड्ढा नाली दिखाई, जिसमें गिरकर सर्वाधिक मौतें हुई हैं। सीओ डॉक्टर आनंद यादव और कोतवाली निरीक्षक आशीष कुमार सिंह ने टीम को बताया कि पानी छिड़काव के कारण सड़क से नीचे फुटपाथ पर काफी कीचड़ हो गया था। भीड़ बचने के लिए खेत की तरफ भागी तो फिसलन के कारण श्रद्धालु नाली में गिरते गए। कुछ नाली से निकलकर दलदली खेत में पहुंच गए। जो नाली में गिरे उन्हीं पांव से रोते हुए लोग उन्हें आगे बढ़ते गए। खेत में दलदल होने के कारण महिलाएं वहां चल नहीं सकी और गिर गई। ज्यादातर मौतें यहीं पर हुई हैं। सड़क पर बेहोश हुई महिलाओं के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी डाला गया, जिसके बाद काफी महिलाएं होश में आईं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।